जो लाठी चार्ज हुई, गवर्नमेंट का वर्जन, सरकार का वर्जन आपने अभी सुना होगा। चौटाला जी ने कहा है कि पुलिस एक्शन तभी लिया गया जब पुलिस पर हमला हुआ, ये रिटेलिएशन था। क्या किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, पुलिस पे हमला किया? या तो दुष्यंत जी को पूरी जानकारी नहीं है, वहां पे कोई बैरिकेड नहीं था, 15 किलोमीटर दूर शहर से वो बैठे हुए थे और वहां पे कोई बैरिकेड नहीं था जिसको किसानों ने तोड़ा हो या जिसको किसानों ने कोई उपद्रव वहां पे किया हो। वो तो केवल इतना था कि किसान ये इजाजत मांग रहे थे कि हमें कोई जगह आप दे दीजिए जहां जाके हम काले झंडे दिखा सकें, लेकिन पुलिस ने ये कहा कि हमें ऑर्डर ये है कि आपको जाने नहीं देना है, यहां से भगाना है आपको, और बैठे हुए लोगों के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। किसानों ने कोई हमला उनके ऊपर नहीं किया, वहां पे आप वीडियो सारी तरह देख सकते हैं, बैठे हुए किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ना वार्निंग दी है, ना वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, वाटर कैनन वहां खड़ा था, ना आंसू गैस का इंतजाम जो इस्तेमाल किया है जो उनके पास थी। और वहां पे ये भी हुआ है कि मैंने तो ये भी सुना है कि वहां पे कई गोलियां भी इन्होंने चलाई हैं किसानों को डराने के लिए और लाठी चार्ज करके, और दूर खेतों में जाके भी उनको पीटा है। और जिस तरीके से लाठी चार्ज किया है, ये ऐसा सीन था जैसे किसी से दुश्मनी निकालनी हो, एक एक आदमी को 50-50 लाठ मारे हैं, कई लोग वहां पे लठों से बेहोश होके गिरे हैं, कईयों के सिर पटे हैं, जबकि लाठी चार्ज का जो ऑर्डर होता है वो टांगों से नीचे मारने का होता है। हमारे देश में टांगों से ऊपर मारने का कानून नहीं है और उस कानून की उल्लंघना सरेआम पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी, तो सरेआम वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए उन्होंने, लठ मार मार के वीडियो सामने आ रही है कि पुलिस गाड़ियां तोड़ रही है। तो ये दोनों चीज, गाड़ियां तोड़ना और लोगों को लठ मारना, टांगों से ऊपर लठ मारना, सिर पे लठ मारना, हड्डियां तोड़ना, ये गैर कानूनी। और उसके बाद जो क्रूरता हुई वो ये थी कि जो किसान गंभीर जख्मी हो गए, जो किसान कल गुजरा है, उस किसान को काफी सरकार का ये मानना है, सरकार का ये मानना है कि ये किसान नहीं है, ये दूसरे स्टेट से लोग आए हैं ऑपोजिशन से मिलकर, ये पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अपने हाथ में लेना चाहते हैं। सरकार का ये मानना है कि ये जो आंदोलन पे अब बैठे हुए हैं ये किसान है ही नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन किसानों की हमने आज और कल और परसों शाम को जबरदस्ती MLR कटवाई है, जो नहीं काट रहे थे चोटिल किसानों की, उनमें ये एक किसान हरियाणा से बाहर का बता दें, एक भी किसान अगर हरियाणा से बाहर का है, जितने लोगों पे इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं वो इनका रिकॉर्ड ही बता रहा है कि वो सारे हरियाणा के, उसमें एक भी कहीं हरियाणा से बाहर का नहीं है। जब पिटने वाले हरियाणा के हैं, मुकदमे बनाने वाले हरियाणा के हैं, तो मेरे को समझ नहीं आती कि ये क्या क्या बोल क्या रहे हैं, इनके बोलने का अर्थ क्या है, इनका बोलने के पीछे लॉजिक क्या है कि ये बाहर के किसान है, ये किसान है ही नहीं है। अब अगर हम किसान है ही नहीं तो हमें ये क्या समझते हैं, मेरे को तो इनकी समझ ही नहीं आई बात की। मतलब ऐसे बेतुके बयान देना जो है वो तो वैसे ही इंसान के लिए अच्छा नहीं होता, और ये तो नेता लोग हैं, इनको तो समझ समझ के बयान देना चाहिए। और एक करोड़ता मैं इसमें और ये बतानी चाहूंगा कि जिन किसानों को चोटें लगी थी उनको हमारे लोग हॉस्पिटल में ले जा रहे थे, आगे बैरिकेड लगाए हुए थे शहर में, जगह जगह बैरिकेड थे, हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया। जो किसान को कल डेथ हुई है उस किसान को भी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया, और वहां पे बैरिकेड थे और उसको घर ले गए वो लोग, तो घर पे जाके उसकी चोटों से डेथ हुई है, उसके सिर के पीछे गुद्दी में चोट लगी हुई थी और उसके पेट में चोट लगी हुई थी, उन चोटों के कारण उस किसान की डेथ हुई है। okay. यानी हॉस्पिटल में भी घायल किसानों को नहीं जाने दिया गया, और जिन 6-7 किसानों को पुलिस उठा के ले गई थी हॉस्पिटल में
उनको भी शाम को जबरन हॉस्पिटल से बाहर धकेल दिया गया। ये पुलिस की अति क्रूरता है और 4 बार लाठीचार्ज किया गया है वहां पे, अति क्रूरता से लोगों को पीटा गया है।